नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला T20 इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा 11 जनवरी को मोहाली के पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन IS बिंद्रा स्टेडियम में इंडियन टाइम के हिसाब से शाम के 7 बजे से, यानी कि 7 PM से। तो आज की इस वीडियो में पहले T20 इंटरनेशनल मुकाबले का कंप्लीट मैच प्रीव्यू करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि पहले T20 इंटरनेशनल मैच के लिए पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन IS बिंद्रा स्टेडियम की पिच रिपोर्ट क्या है, जबकि पहले T20 इंटरनेशनल मैच में दोनों टीमें किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाली हैं। इसके अलावा पहले T20 इंटरनेशनल मैच में पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन IS बिंद्रा स्टेडियम की पिच पर कौन से गेंदबाज और बल्लेबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित होंगे और किसको आपको अपनी फैंटेसी 11 में लेना चाहिए, जबकि पहले T20 इंटरनेशनल मुकाबले का मैच प्रेडिक्शन भी करने वाला हूं। तो ओवरऑल A to Z कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको इस मैच से जुड़ी इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए ओवरऑल ये वीडियो होने वाली है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव। इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि आपको क्रिकेट और IPL से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट और IPL 2024 से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट्स, इसके अलावा सभी मैचेस की एक्यूरेट प्रेडिक्शन पाना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसके अलावा कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर पिंड मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं पहले T20 इंटरनेशनल मैच के लिए पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन IS बिंद्रा स्टेडियम की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम ओवरऑल T20 इंटरनेशनल मैचेस की बात कर लें जो कि इस मैदान पर खेले गए हैं, तो इस मैदान पर अभी तक सिर्फ 6 T20 इंटरनेशनल मैचेस हुए हैं, जिनमें से 2 मैच फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, जबकि 4 मैच सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं। इसके अलावा एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 183 रन्स का है, तो वहीं एवरेज सेकेंड इनिंग्स का स्कोर 177 रन्स का रहा है। तो आप इन ओवरऑल T20 इंटरनेशनल मैचेस के स्टैट से क्लियरली देख सकते हो कि पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन IS बिंद्रा स्टेडियम की पिच पर जिस टीम ने सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करी है उस टीम को ज्यादा एडवांटेज मिला है। इसी वजह से चेस करने वाली टीम्स ने इस मैदान पर ज्यादातर मुकाबले जीते हैं। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन IS बिंद्रा स्टेडियम की पिच एक बैटिंग फ्रेंडली पिच है। इस पिच पर बल्लेबाजी करना पूरे मैच में काफी आसान साबित होता है, क्योंकि गेंद बल्ले पर बहुत अच्छी तरीके से आती है। इस पिच पर काफी अच्छा पेस और बाउंस मौजूद है, तो इस पेस और बाउंस को ट्रस्ट करके बल्लेबाज अपने शॉट्स काफी आसानी के साथ खेल पाते हैं, और यही कारण है कि आपको इस मैदान पर जनरली काफी हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन IS बिंद्रा स्टेडियम के जो बाउंड्री डायमेंशंस हैं वो थोड़े से बड़े हैं, जहां पर आपको स्क्वायर बाउंड्रीज 72 मीटर्स की देखने को मिलती हैं। इसके अलावा स्ट्रेट बाउंड्रीज 74 मीटर्स की हैं। तो ये मैदान थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये पिच पूरे मैच में बल्लेबाजों को ही सपोर्ट करती है, और पहले T20 इंटरनेशनल मैच में भी इंडिया और अफगानिस्तान दोनों टीमों के पास काफी ज्यादा स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप मौजूद होगी। तो ये मैदान भले ही बड़ा है, लेकिन इस मैच में आपको एक बार फिर से काफी ज्यादा चौके और छक्के देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस मैदान पर जो 4 मुकाबले चेस करने वाली टीम्स ने जीते हैं, उनमें से 2 मुकाबलों में आपको फर्स्ट इनिंग्स के स्कोर 210 के करीब देखने को मिले थे, और वो स्कोर भी 20वें ओवर में जाकर चेस हो गया था। बाकी के 2 मैचेस में आपको फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 150 के आसपास और 160 के आसपास देखने को मिला था, और वो स्कोर भी आसानी के साथ चेज हो गया था। तो इस आंकड़े से आप क्लियरली देख सकते हो कि ये एक चेजिंग ग्राउंड है। इस मैदान पर बड़े से बड़ा स्कोर भी डिफेंड करना काफी मुश्किल साबित होता है, क्योंकि सेकेंड इनिंग्स में इस मैदान पर काफी ज्यादा ड्यू आती है, तो ड्यू आने के बाद ये पिच बल्लेबाजी के लिए और भी ज्यादा आसान हो जाती है, जिसके कारण जो टीम सेकेंड इनिंग्स में बल्लेबाजी करती है उसको एडवांटेज मिलता है, क्योंकि गेंद बल्ले पर स्किट कर आती है। इसी वजह से यहां पर बड़े बड़े स्कोर्स भी आसानी के साथ चेस हो जाते हैं, जबकि जो टीम सेकेंड इनिंग्स में गेंदबाजी करती है उस टीम के गेंदबाजों को गीली गेंद के साथ गेंदबाजी करने में काफी ज्यादा समस्या होती है।
इसी वजह से यूजुअली यही देखा गया है कि मोहाली के इस मैदान पर जो भी कप्तान टॉस जीतता है वो गेंदबाजी करने का ही फैसला करता है, और इस मैच में भी मुझे लगता है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो गेंदबाजी करने का ही फैसला करेगी, और एक बार फिर से चेस करने वाली टीम को ही इस पहले T20 इंटरनेशनल मैच में एडवांटेज मिलेगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इस मैदान पर खेले गए ओवरऑल मेंस T20 इंटरनेशनल मैचेस के कुछ रिकॉर्ड्स की। तो जो हाईएस्ट टोटल इस मैदान पर बना है वो ऑस्ट्रेलिया का है इंडिया के खिलाफ 211 रन 6 विकेट के नुकसान पर। लोएस्ट टोटल साउथ अफ्रीका का है इंडिया के खिलाफ 149 रन 5 विकेट के नुकसान पर। हाईएस्ट टोटल जो चेस हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया ने किया है इंडिया के खिलाफ 211 रन 6 विकेट के नुकसान पर, और लोएस्ट टोटल जो डिफेंड हुआ है वो न्यूजीलैंड ने किया है पाकिस्तान के खिलाफ 180 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं फर्स्ट T20 इंटरनेशनल मैच के लिए दोनों टीमों की एक्यूरेट प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले इंडियन टीम की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में बात कर लें तो भारतीय टीम को फर्स्ट T20 इंटरनेशनल मैच से पहले बड़ा झटका लगा है, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीम इंडिया के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने यह कन्फर्म किया है कि विराट कोहली फर्स्ट T20 इंटरनेशनल मैच के लिए अवेलेबल नहीं है पर्सनल रीजंस की वजह से, यानी कि विराट कोहली पहला T20 इंटरनेशनल मुकाबला नहीं खेलेंगे। हालांकि राहुल द्रविड़ ने यह भी बताया है कि विराट कोहली सीरीज के दूसरे और तीसरे T20 इंटरनेशनल मैच के लिए अवेलेबल रहेंगे। तो आपको टीम इंडिया की प्लेइंग 11 फर्स्ट T20 इंटरनेशनल मैच में कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे कप्तान रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल, नंबर 3 पर आ सकते हैं शुभमन गिल, नंबर 4 पर तिलक वर्मा, नंबर 5 पर जितेश शर्मा या फिर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन में से कोई एक खेलेगा, नंबर 6 पर रिंकू सिंह, नंबर 7 पर अक्षर पटेल, नंबर 8 पर कुलदीप यादव, नंबर 9 पर आवेश खान, नंबर 10 पर अर्शदीप सिंह और नंबर 11 पर मुकेश कुमार आ सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अफगानिस्तान की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 के बारे में। तो अफगानिस्तान की टीम को भी पहले T20 इंटरनेशनल मैच से पहले बड़ा झटका लगा है, जहां पर उनके बेहतरीन राइट आर्म लेग स्पिनर राशिद खान इस T20 सीरीज से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में राशिद खान की बैक सर्जरी हुई है और अभी वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पाए हैं। तो ऐसे में उनको पूरी तरीके से मैच फिट होने में टाइम लगेगा, जिसके कारण वो इस T20 सीरीज से बाहर हो चुके हैं। तो आपको अफगानिस्तान की प्लेइंग 11 फर्स्ट T20 इंटरनेशनल मैच में कुछ इस प्रकार की नजर आ सकती है। ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे हजरतुल्ला जजाई के साथ विकेटकीपर बल्लेबाज रहमानुल्ला गुरबाज, नंबर 3 पर आ सकते हैं कप्तान इब्राहिम जादरान, नंबर 4 पर अजमतुल्ला उमरजई, नंबर 5 पर नजीबुल्ला जादरान, नंबर 6 पर मोहम्मद नबी, नंबर 7 पर गुलबदीन नाइब या फिर करीम जन्नत में से कोई एक खेलेगा, नंबर 8 पर मुजीबुर रहमान, नंबर 9 पर कयास अहमद, नंबर 10 पर नवीनुल हक और नंबर 11 पर फजल हक फरूकी आ सकते हैं। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं फर्स्ट T20 इंटरनेशनल मुकाबले की मैच प्रेडिक्शन के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर लें तो क्रिकेट के इतिहास में इंडिया और अफगानिस्तान के बीच अभी तक टोटल 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से इंडिया ने 4 मैचेस जीते हैं जबकि अफगानिस्तान की टीम एक भी मुकाबला नहीं जीत पाई है और एक मैच नो रिजल्ट रहा था। तो ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड में इंडियन टीम का पलड़ा काफी ज्यादा भारी नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें दोनों टीमों की रीसेंट फॉर्म के बारे में तो इंडिया ने जो लास्ट 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं उसमें से 3 मुकाबले जीते हैं जबकि 2 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम ने जो पिछले 5 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं उसमें से 4 मुकाबले जीते हैं जबकि सिर्फ 1 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। तो अगर आप दोनों टीमों की रीसेंट फॉर्म का कंपैरिजन करोगे तो इस समय दोनों टीमों की फॉर्म काफी अच्छी नजर आ रही है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं फर्स्ट T20 इंटरनेशनल मैच के लिए दोनों टीमों की तरफ से की प्लेयर्स की, जो कि इस मैच में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और आप इन्हें अपनी फैंटेसी 11 में कैप्टन या वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। तो अगर हम सबसे पहले बैटर्स की बात कर लें तो इंडियन टीम की तरफ से आप यशस्वी जायसवाल के साथ जा सकते हो। पिछले 10 मैचेस में 298 रन बनाए हैं 33 के एवरेज और 166 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप रिंकू सिंह को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो, जो कि इस समय बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं।
पिछले 10 मैचेस में 224 रन्स बना चुके हैं 74 के बेहतरीन एवरेज और 181 के शानदार स्ट्राइक रेट के साथ। दूसरी तरफ आप अफगानिस्तान की तरफ से विकेटकीपर बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ जा सकते हो। पिछले 7 मैचेस में 227 रन्स बनाए हैं 32 के एवरेज और 143 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप कप्तान इब्राहिम जादरान को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 7 मैचेस में 157 रन्स बनाए हैं 22 के एवरेज और 98 के स्ट्राइक रेट के साथ। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बॉलर्स की। तो अगर हम सबसे पहले इंडियन टीम के बॉलर्स की बात कर लें तो यहां से आप राइट आर्म लेग स्पिनर रवि बिश्नोई के साथ जा सकते हो अगर ये मुकाबला खेलते हैं। पिछले 8 मैचेस में 14 विकेट्स ले चुके हैं 7 की इकोनॉमी और 13 के स्ट्राइक रेट के साथ। लेकिन अगर ये मुकाबला नहीं खेलते हैं तो इनकी जगह पर आप लेफ्ट आर्म चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव के साथ भी जा सकते हो, क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का रिकॉर्ड इस मैदान पर काफी शानदार है। इसके अलावा आप लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 9 मैचेस में 9 विकेट्स ले चुके हैं 9 की इकोनॉमी और 20 के स्ट्राइक रेट के साथ। दूसरी तरफ आप अफगानिस्तान की तरफ से राइट आर्म लेग स्पिनर कास अहमद को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 5 मैचेस में 11 विकेट्स ले चुके हैं 5 की इकोनॉमी और 9 के स्ट्राइक रेट के साथ। इसके अलावा आप लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर फजल हक फरूकी को भी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। पिछले 7 मैचेस में 7 विकेट्स ले चुके हैं 6 की इकोनॉमी और 21 के स्ट्राइक रेट के साथ। और अंत में दोस्तों बात कर लेते हैं फर्स्ट T20 इंटरनेशनल मैच के लिए मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन के बारे में। तो ओवरऑल हेड टू हेड रिकॉर्ड में टीम इंडिया का पलड़ा काफी ज्यादा भारी नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी आप अफगानिस्तान की टीम को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि T20 फॉर्मेट में अफगानिस्तान एक बेहतरीन टीम बन चुकी है। अफगानिस्तान के पास कई सारे बेहतरीन क्वालिटी के स्पिनर्स मौजूद हैं। इसके अलावा उनके पास शानदार बल्लेबाज और तेज गेंदबाज भी हैं। लेकिन फिर भी अगर आप इस समय दोनों टीमों की प्लेइंग 11 का कंपैरिजन करोगे तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 ज्यादा बैलेंस्ड और स्ट्रांग दिखाई दे रही है। खास तौर पर इस T20 सीरीज में रोहित शर्मा की वापसी से भारतीय टीम और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। इसके अलावा हमें ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि ये T20 सीरीज इंडिया में खेली जाएगी तो होम कंडीशंस का एडवांटेज एक बार फिर से भारतीय टीम को मिलेगा। और हम सभी को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि भारत को भारत में किसी भी फॉर्मेट में हराना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इसके अलावा मोहाली के इस मैदान पर टीम इंडिया का रिकॉर्ड भी काफी शानदार है। भारत ने इस मैदान पर टोटल 4 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं जिसमें से 3 मुकाबले जीते हैं और सिर्फ 1 मैच में हार का सामना करना पड़ा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि इस पहले T20 इंटरनेशनल मैच में टीम इंडिया का पलड़ा भारी है और ऐसे में फर्स्ट T20 इंटरनेशनल मैच के लिए जो मेरी विन प्रेडिक्शन है वो इंडियन टीम के साथ ही जाने वाली है। सो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई मेरी अपनी विन प्रेडिक्शन की। आपको क्या लगता है किस टीम की प्लेइंग 11 ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है और आपके हिसाब से कौन सी टीम पहला T20 इंटरनेशनल मुकाबला जीतेगी, इंडिया या फिर अफगानिस्तान? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11 और क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज एंड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।